अजय मेरू प्रेस क्लब में धूमधाम के साथ मनाया गया चेटीचंड एवं नव वर्ष। पुलिस कप्तान को राष्ट्रपति पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में संगोष्ठी का भी हुआ आयोजन। अजय मेरू प्रेस क्लब के तत्वाधान में आज क्लब में चेटीचंड एवं नव वर्ष मनाया गया। सुबह सबसे पहले क्लब में हवन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कोर राष्ट्रदीप ने दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करी। कार्यक्रम की शुरुआत सिंधु साहित्यिक गोष्ठी से हुई, जिसमें दूर दूर से आए सिंधी समाज के साहित्यकारों ने सिंधी समाज सिंधी भाषा पर प्रकाश डाला। पुलिस कप्तान कोर राष्ट्रदीप को क्लब अध्यक्ष सुरेश काशलीवाल ने स्मृति चिन्ह भेंट किया और सभी क्लब के सदस्यों ने पुलिस कप्तान कोर राष्ट्रदीप को माला पहनाकर अजमेर में अच्छा कार्य करने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। कार्यक्रम में समाज के अन्य लोगों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात सभी उपस्थित जनों ने स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लिया और नाच गाकर धूमधाम के साथ चेटीचंड एवं नव वर्ष मनाया। अंत में कार्यक्रम संयोजक नरेश रागानी और राजेश आनंद ने सभी का धन्यवाद प्रेषित किया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आज आया क्योंकि मुझे आप लोगों ने बुलाया और मैं मानता हूँ कि जो मीडिया है हमारे देश में, जैसे कि सभी लोग चौथे स्तंभ के रूप में जानते हैं, मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वाकई में इस लोकतंत्र को बचाने में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो वो हमारा ये चौथा स्तंभ ही है। और जिस तरह से हम बार बार ये नोटिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे देश की परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए, पर ये स्तंभ जो है लगातार वो हिम्मत दिखाने में और वो बातें आगे रखने में चूकता नहीं है, जिसके कारण हमारा लोकतंत्र जिंदा है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास भी समय ज़्यादा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी बात पर मेरे अपने कुछ साथियों के साथ चर्चा हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि साहब, जिस तरह से हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, पाकिस्तान में तो आर्मी जब चाहती है देश का शासन ही अपने हाथ में ले लेती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश की आर्मी कभी ऐसा कर दे, ड्यूटी नहीं कर दे? तो मैंने दो बातें कही। पहली बात मैंने ये कही कि देखिए, वहाँ की और यहाँ की आर्मी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी ट्रेनिंग, हमारा जिस तरह से हमारी आर्मी ट्रेन होती है, वो अपने सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर काम करती है और उनमें देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो इस मूल्यों को बचाने के लिए है। पाकिस्तान में अलग तरीके की आर्मी है, वो म्यूटिनी कर देते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर उस तरह की कोई भी देशभक्ति या संवैधानिक मूल्य नहीं है। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैंने उनसे कही, मैंने उन्हें कहा कि हमारे देश में अगर कोई भी संस्था चाहे कि वो अचानक देश के संवैधानिक मूल्यों को किनारे करके कोई तानाशाही लाने की कोशिश करे, तो हमारे देश का जो मीडिया है, हमारे देश का मीडिया देश के कुछ चंद सबसे सक्षम मीडियाज में से एक है, वो इस देश के संवैधानिक मूल्यों को कभी भी हिलने नहीं देता। ये वो शक्ति है जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश के मीडिया में पाई जाती है। करप्शन हर जगह है, निश्चित रूप से मीडिया में भी करप्शन है। मीडिया में भी कुछ पर्सनल सेंसिटाइजेशन के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ लोग काम करते हैं, पर अभी भी जो हिम्मत हमें बार बार दिखाई देती है, मीडिया में ही है जहां पर कि लोग अपनी सही बात रखने के लिए मार भी दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये सब खतरे जानते हुए भी लगातार अपने देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाए रखने में आपकी भूमिकाओं को देखते हैं। पहला रीजन तो यही था कि मैं उस संस्था के सामने, उन लोगों के सामने खड़ा होना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था जो इतने महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं, वो भी कहीं कहीं पर तो बहुत ही कम आर्थिक तनख्वाह या फिर अन्य बेनिफिट लेते हुए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं आप सभी को सलाम करना चाहता हूँ। और दूसरा रीजन, क्योंकि आज नव वर्ष भी है और जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों में हमारे अजमेर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है चेटीचंड का, तो इसी बहाने ये होगा कि आपसे आमना सामना होगा अगर कहीं कोई आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं हमारे उस महोत्सव की और पूरी कोशिश करेंगे कहीं किसी तरह की परेशानियां नहीं आए। फिर भी आप में से कोई कभी भी अगर आपको लगे कि साहब हमारे उसमें कुछ तैयारियों में कमी रह गई थी पिछले बार, वो चीजें हम आपके सामने लाना चाहते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कभी भी आकर के मुझे मेरे ऑफिस में बता सकते हैं कि आपके इसमें कुछ और अगर इंतजाम किए जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से महोत्सव हो पाएगा। उसके लिए मैं आपके सामने खुलकर ये बात रखना चाहता था कि आप कभी भी बिना किसी संकोच के कोई भी समस्या, कोई भी बात हो, केवल इस महोत्सव की नहीं, किसी भी तरह की अन्य अजमेर के लाभ की, आपको लगे कि साहब अजमेर का फायदा होगा यदि अजमेर की पुलिस इससे बेहतर इस दिशा में काम करेगी, तो हम हमेशा खुले हुए हैं, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं।
और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष और प्रेस क्लब की टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया। मंच विराजमान कासरेवाल जी, बहन गोकुलानी जी, तनवानी जी, हमारे भाई गिरधर तेजवानी जी और हमारे सुरेश जी सिंधी, नवाब जी, सभी यहाँ हॉल में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं नव वर्ष आ रहा है लेकिन नव वर्ष और चेटीचंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह नव वर्ष क्यों है? साधारणतः जब जनता में या आम व्यक्ति से चर्चा होती है 1 जनवरी को सब लोग नव वर्ष मनाते हैं। नव वर्ष 1 जनवरी केवल कैलेंडर वर्ष है, वह 2018, 2019, 2017 कैलेंडर है कि वह शुरू होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है। नव वर्ष यदि प्राचीन अपन गहराई में जाएंगे तो वह नव वर्ष वर्ष प्रतिपदा पर शुरू होता है और अपन सब भी एक दूसरे को ये जो परंपरा है, धीरे धीरे कई सामाजिक संस्थाओं ने नव वर्ष को, इससे शुरू अपने नवरात्रि की स्थापना भी इसी दिन होती है और भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ, लगभग इस दिवस के साथ 10 से 15 सारे गुण सारी गाथाएं सब जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं तो एक बार सबसे जो इस देश के रहने वाले हैं, इस देश का भारतीय नव वर्ष अपना वर्ष प्रतिपदा पे है, हिंदी तिथि के अनुसार को अंग्रेजी तिथि तय नहीं है किस दिन होगा, इस बार 6 अप्रैल को है, कई बार किसी मार्च में आ जाता है, कई बार कौन सी और अप्रैल होता है, तो हिंदी तिथि के अनुसार यह जो अपना 6 अप्रैल को नव वर्ष है, अपन घर में बच्चों के जो अपन सारे कार्यक्रम करते हैं इस संस्कार के साथ आधारित करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता का यह अनुकूल होगा। उसके साथ हम चेटीचंड का महोत्सव मनाते हैं। आखिर चेटीचंड के महोत्सव क्यों मनाते हैं? अपने झूलेलाल जी का जो अवतरण हुआ, हर महापुरुष का अवतरण होता है, हम उसको बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज अजमेर में भी या सारे देश भर के अंदर जहां भी कुछ सिंधी समाज के लोग रहते हैं वहां पे चेटीचंड अवश्य मनाया जाता है। और कुछ प्रेस क्लब के तत्वाधान में नववर्ष और चेटीचंड महोत्सव आज मनाया गया और उसके अंदर पुलिस अधीक्षक वो राजदीप सिंह जी ने भी प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी जी और साहित्यकार कमला गोखलानी जी, दीपक हासानी जी, गिरधर तेजवानी जी, नरेश रागानी जी, सभी लोग जो है साहित्यकार भी इसमें शामिल थे, सभी ने सिंधु साहित्य पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि सारे लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ इस महोत्सव को एंजॉय किया, सबने अच्छा खाना खाया और सबने मिलकर डांस किया और एक दूसरे के गले मिलकर सबने नव वर्ष की और चेटीचंद की बधाई दी। के सभागार में पहली बार गोष्ठी का आयोजन किया गया, साहित्य पर हमें नए विचार जानने के लिए और नए विचार समझने का मौका मिला। हम लाभान्वित हुए सफलता के बारे में जानकर हमें मालूम चला है कितनी प्रमाणिक है और हमेशा मुझे सुंदर परिवार आने वाले समय में सिंधी साहित्य गोष्ठी आयोजित कराता रहेगा और चेटीचंड महोत्सव किस नहीं सर जी सर किसके क्या कार्यक्रम था आज? आज एमेरू प्रेस क्लब के तत्वावधान में आज चेटीचंड महोत्सव और नव वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाया गया। इसमें साहित्यिक गोष्ठी रखी गई जिसमें यहाँ के और बाहर से आए हुए साहित्यकारों ने अपने अपने विचार रखे, मूल भावना से अवगत कराया। आज के दिन के लिए मैं एक बार सभी शहरवासियों को नव वर्ष की चेटीचंड की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिचय? राजेश आनंद, अध्यक्ष सिंधु संस्कार समिति। आज प्रेस क्लब में सिंधु विचार गोष्ठी का संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मैंने 73 साल की उम्र में सिंधी के बारे में, सिंधी इतिहास के बारे में, उत्पत्ति के बारे में कभी नहीं सुना और बड़े बड़े विद्वानों ने सब ने अपने उद्बोधन में ये बात बताई कि सिंधियों का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कहाँ है जिसका कोई अंत नहीं है।
साल में एक दो बार आज की युवा पीढ़ी को सिंधियों के बारे में जानकारी देने की, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारे क्या त्याग क्या बलिदान कितने लोग शहीद हुए, क्योंकि युवा पीढ़ी को बहुत कम ज्ञान है। मैं इसके लिए सब आयोजकों का आभार करता हूँ। पर्व चेटीचंद पर आज अजय प्रेस क्लब की ओर से नववर्ष और चेटीचंद का एक समारोह शहर के सभी सिंधी भाइयों, शहर के सभी प्रमुख लोगों, पत्रकारों, अन्य समाज के लोगों के द्वारा यहाँ अजय प्रेस क्लब के भवन में मनाया गया। बहुत हर्षोल्लास से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें साहित्य गोष्ठी रखी गई, लोगों ने डांस किया, खाने का आनंद उठाया, सिंधी खाने का, एक दूसरे से मिले। एक अजमेर प्रेस क्लब की तरफ से एक नया कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया है, जिसका सभी सिंधी समाज के लोगों ने सराहना की है। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते हैं। ये नई परंपरा जो शुरू की जा रही है बहुत अच्छी चीज है, जारी रखा जाना चाहिए। जिस तरह से पहले से हम लोग मुहर्रम का एक त्यौहार देखा रमजान के दौरान मगर एक नई परंपरा थी सुरेश खासीवाल जी के अध्यक्ष कुमार शर्मा जी। मैम बताइए, आज अजमेर प्रेस क्लब के अंदर सिंधी साहित्य संगोष्ठी रखी गई थी। बाहर से भी लोग आए थे संगोष्ठी के अंदर। कमला कोकलानी जी, सुरेश सिद्धि जी, काफ़ी अच्छा प्रयास था सिंधी भाषा के लिए, क्योंकि जैसे कमला जी ने काफ़ी काम किया है सिंधी भाषा के लिए, लेकिन सिंधी लोगों के बीच में आज भी एजुकेशन उतना नहीं होने के कारण उनके इतिहास को खुद सिंधी लोग ही नहीं जानते हैं। उस पर यहाँ पुरजोर जोर दिया गया कि सिंधी लोग इस चीज़ को समझें और अपने इतिहास को देखें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई कि वेदों से सिंधी को, संस्कृत से, और ये बताया गया कि पुरानी है नहीं है, काफ़ी विचार निकल गया है, लेकिन एक अच्छा प्रयास था। मैं डॉक्टर निशिका महर्षि। सर, किस तरीके का कार्यक्रम आज आयोजित है? चेटीचंद महोत्सव पखवाड़े के अंतर्गत जो पूरे शहर में एक चेटीचंद का माहौल बना हुआ है, सभी समाजों के साथ साथ विशेष तौर पर सिंधी समाज में एक भरपूर उत्साह है, और आने वाली 6 तारीख को जो चेटीचंद महापर्व आने वाला है, उसी कड़ी में आज अजमेरू प्रेस क्लब में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी भाषा और साहित्य पर महत्वपूर्ण विचार आने का काम हुआ और समाज में एक समाज को एक संदेश देने का कार्य किया है। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से समाज में सिंधु सभ्यता, सिंधी भाषा को और भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव आने का काम हुआ है, और निश्चित तौर पर इसका लाभ समाज को मिलने वाला है। आपका परिचय चलानी जी। सर बताइए, किस तरीके का कार्यक्रम आज की है? आज जो अजमेर प्रेस क्लब की तरफ से जो चेटीचंद उत्सव मनाया जा रहा है, ये समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सारे समाज मिल करके, सारे पत्रकार वगैरह सब, मीडिया वाले सब मिल करके इस चेटीचंद का उत्सव को जो मना रहे हैं, ये समाज में बहुत एक खुशी का माहौल है। और ये जो 1 महीने का प्रोग्राम अजमेर शहर में चल रहा है, उसमें एक प्रोग्राम ये भी जोड़ दिया गया है, इसमें समाज में बहुत ही खुशी की लहर है। आज यहाँ पे देखेंगे तो आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा समाज को और बहुत अच्छी तरह से इंजॉय किया लोगों ने, सब जनों ने मिल करके। इसलिए हम आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे प्रोग्राम चलना चाहिए शहर के अंदर, और बहुत ही अच्छा लगता है, समाज में एक ऊर्जा मिलती है समाज को, और आने वाली पीढ़ी, बच्चे जो आजकल जो सिंधी भाषा से दूर हो गए हैं, बड़े बड़े स्कूल में जा रहे हैं, सिंधी भाषा से बोल नहीं पाते हैं, या किसी कारण से सिंधी भाषा धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उसको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं, ताकि सिंधी भाषा बरकरार रहे और हमारा समाज जो है आने वाले दिन पे दिन ये प्रोग्राम और उन्नति करता रहे। आपका परिचय? राधा कृष्ण आहूजा, अध्यक्ष पूर्व सिंधी पंचायत पंछी। आज अजय मेहरू प्रेस क्लब वैशाली नगर में जो नया भवन निर्माण हुआ है, वहाँ पे आज एक ऐसा आयोजन किया गया सिंधी समाज की तरफ से। सबसे पहले तो यहाँ पूजा पाठ किया गया है, हवन हुआ है हमारे यहाँ। आज का जो दिन है इतना शुभ है कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज से नव वर्ष की शुरुआत हुई है। मैं नानक भाटिया प्रेस क्लब का डायरेक्टर हूँ, और आप पूरे शहरवासियों के पहले आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा शहर सिंधी समाज से यहाँ पे था, हमारे प्रेस क्लब के सभी सदस्य
हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कासरीवाल जी के नेतृत्व में जो आज कार्यक्रम हुआ है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। यहाँ पे एक से एक इतिहासकार के लोग भी आए थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता सिंधी समाज के लिए सिंधियों ने इस देश के लिए क्या किया, संसार में क्यों सिंधियों का नाम है, क्यों पुरुषार्थी कहा जाता है। कभी किसी ज़माने में इस कौम को शरारती कहा जाता था और आज ये कौम पुरुषार्थी कौम बन गई है, मेहनत करके कमाने वाली कौम है, कभी भीख नहीं मांगती है।